आज हम आए हैं बीएसपी प्रत्याशी इंजीनियर प्रसाद अली के पास, और कल जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जो नाटक हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जिले के लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि जिले के सभी लोग ठीक स्वस्थ रहें। देखिए, जो कल अमरोहा जिला पंचायत अध्यक्ष में हुआ है, उसका एक ही मतलब है कि जो अपने आप को शेर कहते हैं और कहलवाते हैं, वो शेर नहीं, सर्कस के शेर हैं। एक शेर है कि अगर हीरे की सिफत रखते हो तो अंधेरे में आकर मिलो, अगर हीरे की सिफत रखते हो तो अंधेरे में आकर मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। और कल ये शेर सच साबित हुआ है। कल बड़े अच्छी तरीके से मैच फिक्स करके परचम निस्त कराया गया। मैं अपनी मासूम कौम को, अपनी मासूम आवाम को बताना चाहता हूं कि जिसको आप अपना रहबर समझते हैं, जिसको आप अपना नुमाइंदा समझते हैं, उसने आपके लिए, कौम के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, कभी जद्दोजहद नहीं की। उन्होंने अगर संघर्ष किया है तो अपने लिए क्या है, अपनी तिजारत के लिए क्या है, अपने घर वालों के लिए किया है। और कल जीता जागता सबूत आपने अपनी आंखों से देखा। जो इंसान 40 साल की सियासी जिंदगी में हिंदुस्तान में जो भी चुनाव होता है, वो या उनके घर वाले लड़ चुके हैं, आज तक कोई पर्चा कैंसिल नहीं हुआ। सैकड़ों की तादाद में वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो और उनके घर वाले, आज तक कोई पर्चा कैंसिल नहीं हुआ। अरे भाई, कल कैसे पर्चा कैंसिल हो गया? मैच फिक्स है। जो आने वाला दूसरा चुनाव है 10-15-20 दिन के बाद, उसकी सौदाबाजी की गई है कि ये तुम ले लो, वो हमें दे दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब एनआरसी का मामला हुआ, जब कौम के कारोबार को नष्टो नाबूद किया गया, कभी वो बाहर निकल कर नहीं आए। जब कोरोना चला, कभी बाहर निकल कर नहीं आए, क्योंकि उन्हें कौम से, आवाम से कोई मतलब नहीं है। आवाम को तो वो खरीद लेते हैं, उनका कहना है कि जब इलेक्शन आएगा सबको खरीद लेंगे, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी जो मासूम कौम है, मेरी मासूम आवाम है, उनकी सच्चाई को समझिए। वो लीडर नहीं, गीदड़ हैं, पालतू तीतर हैं। वो सत्ता में शेर बनते हैं, विपक्ष में आज तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें सिर्फ अपने आप से और अपने परिवार से मतलब है कि किस तरह से मेरी पास पद आए, पदों के अलावा उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि समझिए, उनके असली असली चेहरे को देखिए, आप उनके असली चेहरे को देखिए। अभी से कहना शुरू कर दिया, मासूम कौम को बहकाना शुरू कर दिया कि 6 महीने बाद सरकार आ रही है। अरे भाई, गणित बताओ, 19.5% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 5.5% यादव हैं, कितने हुए जी शमीम भाई? 25% हुए। 25%? क्या 25% वोट में सरकार बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्या मुमकिन है? नहीं बिल्कुल मुमकिन नहीं है जी। लेकिन बहकाना शुरू कर दिया जिससे कि लोग उनके दोबारा झांसे में आ जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि समझदारी से काम लीजिए, हिकमत से काम लीजिए। जब तक सियासत के अंदर आप किसी को हटाओगे नहीं, उसको एक झटका नहीं दोगे, तब तक उसके नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं होगी। अमरोहा की आवाम से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार उनको, जो उन्होंने कौम के साथ कल गद्दारी की है, उसका उनको माकूल जवाब 8 महीने बाद दें, या उनसे कहें कि जब इतने नादान, इतने मासूम हैं वो, के पर्चा निरस्त हो गया, तो 8 महीने बाद भी अपना पर्चा निरस्त करा लें, 8 महीने बाद भी पर्चा निरस्त करा लें। और अगर उन्होंने मिलीभगत नहीं किए तो करें धरना प्रदर्शन।
समाजवादी पार्टी के 8 जिला पंचायत सदस्य हैं, 8 को लेकर जिले पर प्रदर्शन करें, हमारी जरूरत पड़े तो हम भी उनका साथ देने के लिए इस लड़ाई में तैयार हैं। अगर उनके साथ अत्याचार हुआ है वो अपने 8 मेंबरों को लेकर धरने पर बैठे, नौशाद इंजीनियर उनके साथ बैठेगा कौम की खातिर। यही मेरा कहना है। फिर दोबारा से दुआ करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जो सरकार ने गाइडलाइंस तय किए हैं उनका सब पालन करें। सबको सलाम आदाब धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।